गणपति बाप्पा के लिए आज हम बनाएंगे ये बहुत ही आसान और स्वादिष्ट मोदक, एकदम नए अंदाज में, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने में और खाने में तो लाजवाब बने हैं दोस्तों। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्वादिष्ट और आसान मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डाल देंगे, ये मेल्टेड घी है। अब एक छोटा सा बाउल में मैंने 2-3 चम्मच के आसपास गर्म दूध लिया है। अब इस गर्म दूध में हम एक चुटकी फूड कलर लेकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना कलर के मोदक को बना सकते हैं या फिर फूड कलर की जगह थोड़ा सा केसर के स्टैंड्स डाल के दूध में मिला सकते हैं। और ये मिक्सचर को घी में डाल के चम्मच से मिक्स कर देंगे। हाँ, अगर मोदक के कलर थोड़ा और गाढ़ा चाहिए तो हम बाद में थोड़ा सा ये दूध वाले जो मिक्सचर है ना, इसे बना के ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से दूध और घी में मिक्स कर देंगे। हाँ, इसमें और एक चम्मच ये जो दूध वाले मिक्सचर मैंने तैयार किया था ना, वो डाल दिया और अच्छी तरह से मिला दिया। मिल्क पाउडर के साथ इसे इस तरह से थोड़ा सा सूखा सूखा मिक्स करके अब इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर। हाँ दोस्तों, जो आज का मेन इंग्रेडिएंट है ये फ्रेश पनीर है और इसे मैंने एक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल के इनको अच्छे से मिला ले। दोस्तों एक टिप देना चाहूंगी, इस मोदक को बनाने के लिए पनीर को आप पेस्ट ना करके इसको ग्रेट कर लीजिए। इससे आपका मोदक का मिक्सचर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। इनको अच्छे से मिला ले जब तक ये मिक्सचर कुछ कुछ ऐसा ना दिखे। पनीर जो है वो पानी छोड़ दिया है और मिल्क पाउडर के साथ बहुत ही अच्छे से मिलकर उसका कलर ले लिया है और कितना बढ़िया ये दिख रहे हैं। दोस्तों अगर आप बिना कलर के मोदक बनाना चाहते हैं तो इसमें दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम इस मिश्रण में ऐड कर देंगे 5 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, मतलब चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इसे डालकर मिश्रण के साथ तब तक मिलाते जाएंगे जब तक ये बढ़िया सा मिश्रण ड्राई सा ना हो जाए, मतलब ये मिश्रण कढ़ाई में एकदम अलग दिखेगा। ये देखिए ऐसे, इससे आप समझ पाएंगे कि मोदक का मिश्रण आपका बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब इसमें डाल दे 1/4 छोटा चम्मच घर में पीसी हुई छोटी इलायची और वाह, ये खुशबूदार मिश्रण को और थोड़ा सा मिला के इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। वाह, कितनी आसानी से ये कढ़ाई से निकल गया। तो इसे 5 मिनट थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। हाँ, मोदक के फिलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा काजू और किशमिश को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये मोदक को आप बना सकते हैं। हाँ, और चाहिए मोदक का मोल्ड, ये देखिए मार्केट में ऐसा मोल्ड मिलते हैं या फिर ऐसे टाइप के, आप कोई भी ले ले। तो पहले मोदक के मोल्ड में हल्का सा घी लगा ले और फिर आप थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले और इस तरह से इसके दोनों साइड्स में मिश्रण भर दे। ये देखिए, अब इसमें आपका पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स का फिलिंग भर दे थोड़ा सा और थोड़ा सा मिश्रण और लेकर मोल्ड के मुंह अच्छे से सील कर दे। ये देखिए इस तरह से। और बस इसे आसानी से अनमोल्ड कर ले। ये देखिए कितना बढ़िया है ना।
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने में और खाने में तो लाजवाब बने हैं दोस्तों। आप पहले ट्राई करके फीडबैक देके बताइए। तो इस तरह से हम बाकी मोदक को भी बना लेंगे। हाँ, अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप बिना मोल्ड के भी मोदक को बना सकते हैं, कोई भी शेप का आपके पसंद अनुसार। हाँ, खाने में और दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अगर आप इसे प्यार से बनाएंगे तो गणपति जी भी एकदम से खुश हो जाएंगे। हाँ, आपको और एक आसान तरीका बता दे है। पहले मोदक में घी लगा ले और थोड़ा सा मिश्रण लेकर मोल्ड पे रख ले और इसे दबा कर इसका रोल बना के इसे निकाल ले। बन जाएंगे आपका बढ़िया सा और बहुत ही आसान मोदक। तो झटपट बिल्कुल देर ना करके इसे आप बना ले। तो ये बहुत ही खूबसूरत मोदक को हम एक प्लेट में सजा लेते हैं। और उसके लिए ये प्लेट को मैंने कुछ रोज पेटल से सजाया है ताकि दिखने में ये मोदक और भी खूबसूरत लगे। और ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ, कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत है ना, और एकदम परफेक्ट बने हैं। गणपति जी के लिए हम बना रहे हैं तो परफेक्ट तो होना ही चाहिए, है ना? तो झटपट आप भी इसे बना ले। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले मेरी चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको जरूर दबाना। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे। गणपति बाप्पा मोरिया।